तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आप फ्री फायर में माइक्रो यानी कि स्क्रिप्ट कैसे यूज़ कर सकते हैं डबल AWM के लिए। जैसे कि आपने बहुत से यूट्यूबर्स को देखे होंगे स्ट्रीम में, एकदम फटाफट AWM उनका चलता है। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग कोई भी माइक्रो यूज़ नहीं करते, स्क्रिप्ट यूज़ नहीं करते। बहुत सारे यूट्यूबर इसी का यूज़ करके आपको गेम प्ले दिखाते हैं, और ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। अगर आप PC में खेल रहे हो तो इसका यूज़ तो करना ही चाहिए, और ये एकदम लीगल है, ठीक है, इससे आड़ी वाड़ी बैन नहीं होने वाला। तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि डबल AWM के लिए माइक्रो स्क्रिप्ट कैसे आप सेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ओपन करना है फ्री फायर का कस्टम HUD। तो मैं भी कस्टम HUD ओपन करता हूं, एंड देन उसके बाद सारे बटन जो है विजिबल होने चाहिए। और ये जो अभी BlueStacks 5 है, आप चाहो तो BlueStacks का छोटा वर्जन भी कर सकते हो 3-4, उसमें लो एंड PC में भी आसानी से चल जाएगा। लेकिन कोई दूसरा अगर यूज़ कर रहे हो तो उसमें भी ये सेटिंग होती है, ठीक है, आप ढूंढना मिल जाएगा। तो आपको इसके बाद यहाँ पर आ जाना है गेम कंट्रोल में, एंड उसके बाद कंट्रोल एडिटर में, एंड देन उसके बाद यहाँ पर आपको माइक्रो सेट करना है, ठीक है। तो अभी मैं माइक्रो आपको सेट करके दिखाता हूँ। तो चलो मैं मान लो ई बटन में माइक्रो सेट करना चाहता हूँ। तो ये स्क्रिप्ट है, ऐसे उठाना है, इसको लाना है और यहाँ पर ई बटन प्रेस कर दो, और उसके बाद कर दो सेव। ये हो गया ई बटन में माइक्रो सेट। अब माइक्रो के अंदर कराना क्या है, ई बटन को प्रेस करने में हमें कितने सारे काम एक साथ कराने हैं, ये हमको यहाँ पर अंदर में डिसाइड करना है, ठीक है। तो अभी हमको सबसे पहले करना क्या है, जो AWM होता है उसके लिए माइक्रो सेट करने के लिए हम किस टाइप का माइक्रो सेट करें। तो अभी मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं माइक्रो के बटन को प्रेस करूँ उसके बाद AWM से गोली निकले, एंड उसके बाद AWM चेंज हो जाए, दूसरा AWM मेरे हाथ में आ जाए, और उसके बाद फिर से अगर मैं चाहता हूँ मारना तो फिर से मैं प्रेस करूँगा, और यही प्रक्रिया सेम रिपीट होते जाएगी। तो अभी इसके लिए आपको सबसे पहले टैप बटन को ऐसे, मतलब टैप लिखना है यहाँ पर, और थोड़ा सा कोडिंग जैसा यहाँ पर करना पड़ता है, प्रोग्राम करना पड़ता है, एकदम सिंपल है, बस सेम उतारना है आपको, किसी को कैपिटल स्मॉल नहीं करना है, जो बता रहा हूँ वैसा ही करो। टैप लिखना है, स्पेस करना है, एंड उसके बाद यहाँ पर आपको लोकेशन देना है कि किस जगह को टैप करना है, ठीक है, माइक्रो में। तो सबसे पहला टैप होगा हमारा फायर बटन में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि AWM हमारे हाथ में होगा, उसके बाद ही हम माइक्रो यूज़ करेंगे। अभी यहाँ पर मैंने ऐसे इसमें लेफ्ट टैप किया और उसके बाद राइट टैप किया, तो ये अपने आप से लोकेशन यहाँ पर आ गया, एंड उसके बाद एंटर करने हैं आपको। अभी मैं फिर से टैप करता हूँ, और उसके बाद जैसे फायर होगा फिर गन अपने आप से चेंज हो जाए। तो यहाँ पर मैं अभी सिंपली माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करता हूँ, फिर राइट क्लिक किया, अपने आप से यहाँ पर आ गया। बस हमें इतना सा करना है, सेव, ये देखो हो गया, बस इतना सा करना है। और अभी आपको मैं स्कोप इन वाला भी बताऊँगा, ठीक है। ई बटन अभी देखो मैं प्रेस करता हूँ, ई बटन कहाँ गया, ई बटन, और ये देखो अपने आप से ये चेंज हो जा रहा है, मैं सिर्फ ई बटन प्रेस कर रहा हूँ, और राइट साइड का देखो कैसे फायर बटन यूज़ हो रहा है। अब AWM का जो स्पीड है ना वो उतना ही रहेगा, मतलब पहले AWM काफ़ी फास्ट चलता था, बट अब स्पीड स्लो हो चुका है, तो जितना स्पीड है उतना ही चलेगा, चाहे आप माइक्रो को जितना भी फास्ट कर लो। तो अभी देखो, ये देखो अपने आप से चेंज होता जा रहा है, मैं बस ई बटन प्रेस कर रहा हूँ, फायर उसी से हो रहा है, गन चेंज उसी से हो रहा है, सब काम उसी से हो रहा है, आप देख सकते हो। तो ये मेरे ख्याल से माइक्रो बहुत ही ज़बरदस्त माइक्रो है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप स्कोप इन के अंदर कैसे माइक्रो सेट कर सकते हैं AWM में। जैसा कि आपने देखा होगा, स्कोप ओपन करने के बाद बहुत सारे यूट्यूबर कंटिन्यू फायर करते हैं डबल AWM में, मतलब एकदम यार फटाफट AWM चेंज होता है। तो अभी आपको मैं स्कोप के बाहर में बताया कि आप बाहर में कैसे मार सकते हैं, लेकिन अब मैं आपको स्कोप के अंदर बताने वाला हूँ, ये मेरे ख्याल से ज़्यादा यूज़फुल है। तो अब आपको सबसे पहले फिर से एक माइक्रो बनाना है, चाहो तो आप एक और नया माइक्रो बना सकते हो या उसी में चेंज कर सकते हो, मतलब एक बटन में तो एक माइक्रो ही काम करेगा। तो आप अभी मैं उसको डिलीट कर दिया, ई वाले को, पहले वाले को। अब मैं आपको नया माइक्रो सेट करके दिखाता हूँ। तो मैं फिर से ई में ही सेट करूँगा नया माइक्रो को भी, एंड उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले हमको टैप कराना है क्या, अभी इसको मैं स्मॉल कराता हूँ टैप। फिर उसके बाद आपको सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप AWM का ऐसा माइक्रो यूज़ करोगे, स्कोप इनके अंदर, स्कोप के अंदर में ये माइक्रो यूज़ करोगे, तो सबसे पहले AWM के हाथ में होना चाहिए, एंड उसके बाद स्कोप आपको ओपन करना है, ठीक है। स्कोप ओपन करने के बाद ही आप इस माइक्रो को यूज़ करना, नहीं तो प्रॉब्लम बहुत सारे होते हैं। ऐसा नहीं कि माइक्रो को आप कहीं भी घुसा दो कहीं कैसे भी करके, तो वैसे में आपका यूज़ ज़्यादा नहीं होने वाला, तो आपको इतना करना है। अब जैसे आप स्कोप ओपन कर लोगे, फिर सबसे पहले टैप होगा ये फायर का बटन, आप माइक्रो बटन टैप करोगे तो ये फायर का बटन काम करेगा। अब इस फायर में भी आप यूज़ कर सकते हो, पर मेरे ख्याल से ये ज़्यादा अच्छा है आप इसका इस्तेमाल करना, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो आपको इसको टैप कराना है, फिर जैसे ही फायर होगा उसके बाद गन चेंज होगा। अब गन चेंज करने के लिए फिर से हम टैप करते हैं ये वाला, अभी दूसरा AWM के लिए, एंड उसके बाद फिर से हम टैप कराएंगे स्कोप के लिए, गन तो चेंज हो जाएगा, फिर से स्कोप आना चाहिए ना, तो फिर से स्कोप आएगा ऐसे करके। अब उसके बाद स्कोप आ जाएगा, फिर आपको फिर से ई बटन प्रेस करना होगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि स्कोप ओपन करके रखना है, तो लास्ट में स्कोप ओपन करके फिर से हो जाएगा, तो आप फिर से उसके बाद माइक्रो को यूज़ कर सकते हैं। अभी आपको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा, चलो इसको हम थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा।
माइक्रो का थोड़ा रूल टाइप का भी होता है ना, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी उठा कर डाल दो आपको एकदम मतलब मज़ा आएगा गेम खेलने में, ऐसा नहीं है। जो नियम है उसी हिसाब से आप माइक्रो को सेट करेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी गेम खेलने में। अभी देखो इसको, मैंने ये देखो ओपन किया, अब मैं प्रेस करता हूँ ई बटन, ये देखो अपने आप से आ गया यार, ये देखो वाह क्या मस्त मज़ेदार, देखो अपने आप से आ रहा है, ये देखो मैं ऐसे ऐसे मतलब चारों तरफ कर भी रहा हूँ, ये देखो। अब अगर आप ज़्यादा जल्दी जल्दी माइक्रो को यूज़ करोगे ना तो काम नहीं करेगा, क्योंकि AWM का स्पीड भी अब पहले से कम हो गया है। तो मेरे ख्याल से अभी आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप स्कोप इन स्कोप आउट में डबल AWM का माइक्रो यूज़ कर सकते हो, स्क्रिप्ट सेट कर सकते हो। अगर समझ में आ गया, वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करो, और भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। सो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।